साथियों दर्शकों, ये सारी चीजें गुरुजी को जिस प्रकार एक राजा को महाराजा को हम करते हैं, इसलिए स्वामी निखिलेश्वरानंद जी भी हमारे लिए महाराज है और चक्रवर्ती है, उनसे भी सम्राट है, सम्राटों के सम्राट है और सिद्धाश्रम के महान योगी है। उनकी पूजा पहले किए बिना हम आज कोई भी कार्य करें गुरु पर्व या गुरु पूर्णिमा नहीं कहलाती। इसलिए इसका समय इतने होने पर भी, क्योंकि चतुर्दशी 9:21 के बाद होकर पूर्णिमा आ रही है, इसलिए पूर्णिमा को थोड़ा लेट आरंभ करते हुए पूर्णिमा में ही हमने गुरु पूर्णिमा की पूजा संपन्न की है। कल सुबह केवल 7 या 8 बजे तक ही गुरु पूर्णिमा रहने के कारण, पूर्णिमा का पर्वदिन साधकर हमें ये पूजा करनी पड़ी, जिसका समय तो हुआ है। लेकिन मैं आप सबसे यह निवेदन करता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जितना मुझसे हो सके गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए या सिद्धाश्रम योगियों की श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए, हमें जिस साधना को, साधना मार्ग पर ही गुरु जी ने कहा है कि हम देवताओं को भी प्राप्त कर सकते हैं, देवता को प्रत्यक्ष कर सकते हैं और हमारी मनोकामनाएं देवताओं द्वारा पूर्ण कर सकते हैं, इसका विधान जब गुरु जी ने कहा है तो उस साधना विधान से गुरु के मार्ग में चलकर ही हम उस विधान को पूर्ण करेंगे जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा है। मैं आज के दिन कहते हैं कि विशेष मंत्र से गुरु जी को अगर हम 11 बिल्व पत्र चढ़ाते हैं या गुरुजी के पादुकाओं पर चढ़ाते हैं तो सारी साधनाओं का सार एक ही समय हमें मिल जाने की चेष्टा होती है। उसके साथ साथ हम आज सिद्धाश्रम के इस पर्व पर ऐसा कोई वंचित ना रहे जो गुरु कृपा से ओतप्रोत न हो। जो पूजा, जो विधान, जो साधना, परम तत्व की साधना स्वामी निश्चलेश्वरानंद जी ने आज सिद्धाश्रम में जिस प्रकार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की पूजा संपन्न करवाई है और जो साधना करवाकर गुरु कृपा को प्राप्त हुए हैं और वे सिद्धाश्रम प्रवेश पा चुके हैं, उनकी ही साधना परंपरा का, उनकी ही विशेष साधना का, जिस कारण दशमा विद्याएं सिद्ध कर वे सिद्धाश्रम में पहुंच गए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए किसी भी प्रकार का रोग और किसी भी प्रकार की कठिनाई, समस्या, इन समस्याओं से जूझते हुए जो आगे चले, ऐसे उस विशिष्ट साधना को करने से पहले, क्योंकि उस साधना को मैं चाहता हूं कि हम संध्या समय में पूर्ण करेंगे। आज रात भर पूर्णिमा है फिर भी संध्या समय में पूर्ण करेंगे। मैं जानता हूं थोड़े लोग अपने अपने लीव के अनुसार, कोई आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, हम कुछ कल जाना है, ये आपकी मर्जी। मैंने आज अभी पूजा संपन्न की है और आप सभी लोगों के लिए, देखो मैं आश्रम वासियों को बोलकर बिल्व पत्र तोड़ के लाया हूँ, सभी लोग 11-11 बिल्व पत्र ले लें, विशेष मंत्र के साथ गुरु चरणों में उस गुरु पादुकाओं पर उसको चढ़ाकर आप अपनी मनोकामना बोल लें। ये पहला सेशन 1 बजे तक का, आप गुरु पादुकाओं पर फूल चढ़ाएं, गुरु पादुकाओं को आपके सर पे रख लें और उसके बाद आरती संपन्न करें। जब गुरु पादुकाएं आप सर पे रख लेते हैं, आपकी मनोकामना बोल लें और मनोकामना बोल लेते समय ओम निम निखिलेश्वराय निम ओम नमः तो भी मंत्र करो, या ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः तो भी मंत्र करो। अभी 12:30 हो रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता कि आपको ज्यादा समय लूं। मैं सभी ख्याल ये रहता है कि आपको भोजन पहले मिले बाद में, हमारे जीव काटे साहब कहते हैं पहले पूजा बाद में उठवा, पहले प्रोटोबा बाद में उठवा कहते हैं, तो आप पहले सब लोग भोजन करने की तैयारी है। तो मैं जो गुरु पादुकाएं मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने मुझे दी थी उन पादुकाओं को आपके पास तक भेज रहा हूं। आप सर पर उस पादुकाओं को रखने के बाद ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः या ओम निम निखिलेश्वराय निम ओम नमः इस मंत्र का जप कर पादुका सर पे रख ले। अब उसके लिए 1-1 घंटा मतलब इतने सब लोग हैं, सिर्फ पादुकाएं रखते जाएंगे, आप मंत्र जप करते जाना और आपकी मनोकामना बोल लेना, पादुकाएं आपके पास आ रहे हैं। रवि भैया जो गुरुजी के पादुकाएं उनके पास है वो मेरे पास भेज दो, उनके पास भी चंदन की गुरु पादुकाएं जो गुरुजी को पहना कर ही हमने गुरु पूर्णिमा के दिन ली थी वो पादुकाएं भी आपके पास है, उसे जरा एक प्लेट में रख दो। गड़बड़ ना करते हुए
अगर बिलुपत्र आपसे हो सकता है तो पादुकाओं पर बिलुपत्र चढ़ाते हुए मैं मंत्र को बोलो, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, उसके बाद मैं आपको भोजन को भेजूंगा और उसके बाद मैं जो साधनाएं सामने संपन्न करवानी है वो साधना संपन्न करूंगा। पहले आपको गुरु पादुकाओं को आपके स्तर पे ले लेकर आज जो सिद्धाश्रम में क्रिया की जाती है उस क्रिया से आपको कर रहा हूँ, आप उस क्रिया को करें, पादुकाओं को सर पे रखें, आपकी मनोकामना बोल ले और उसके बाद मैं आगे का कार्यक्रम, आगे क्या काम करना है मैं आप सभी को बोलता हूँ। ये करते करते जो पादुकाएं ले जा रहे हैं उसके साथ अरुण या वासर के साथ जो लोग आए हैं वो प्रसाद की थाली लेकर जैसा ही पादुका रखे उनके हाथ में प्रसाद दे दिया करो, काम हो जाता है। इधर आधे लोग आ जाओ, इधर आधे लोग आ जाओ और पादुकाएं दी जाएंगी। अरे भैया पादुका लेकर इनको देकर इनको प्लेट में बैठे सीचे सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः या ओम निम निखिलेश्वराय निम ओम नमः, इस मंत्र को करते हुए पादुकाओं को अपने सिर पर ले लेकर अपनी मनोकामना बोल लें, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण हो, सिद्धाश्रम में जो विधान है उस विधान के अनुसार कार्य हो। आपको आशीर्वाद देता हूँ, इस कार्य को संपन्न